हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं टैबलर फॉर्म से आगे, लेक्चर 3, जिसमें आपको सिखाया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, जो इम्पोर्टेंट है. सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड. देखो, एक एग्जांपल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट लेक्चर में. दोबारा अभी रिपीट कर देते हैं. सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, वॉवल्स है ये सब. तो हमें क्या करना होता है, ये जो वॉवल्स हैं इन सभी के प्लेस पे एक्स लिखना है. तो इन सभी के प्लेस पे एक्स लिखा, x रिप्रेजेंट कर रहा है ये वोवल, कि x की वैल्यू क्या है, वोवल्स है. x है क्या, एक वोवल है. तो आपको लिखना पड़ेगा x इज अ वोवल. तो ये बन गई सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा x लिखा जाता है और x क्या है वो स्टेटमेंट लिखी जाती है. ओके, वो स्टेटमेंट लैंग्वेज फॉर्मेट में भी हो सकती है और मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी, लेस देन वगैरह करके. और कर्ली ब्रैकेट में इंक्लूज करना है. सेट है तो कर्ली ब्रैकेट तो बनाना ही पड़ेगा. आप सब लोग अच्छे से कर्ली ब्रैकेट बनाना सीख लीजिएगा. ओके, इसकी एग्जांपल्स अब मैं स्टार्ट करती हूँ करना. ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल्स. सपोज मैंने लिखा ये लिखा, ओके. तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं. हम देख रहे हैं, हमें पता चल गया प्राइम नंबर्स हैं. तो इन सभी के लिए हम क्या लिखेंगे, x. और x क्या है, x प्राइम नंबर है. x इज अ प्राइम नंबर. अब सिर्फ प्राइम नंबर लिखकर, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यहां क्लोज कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर 2 से सिर्फ 13 तक ही है ना, इसके आगे के तो है नहीं. और अगर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो प्राइम नंबर तो इसके आगे भी तो होते हैं. ध्यान से समझिए कि अगर हमने यहाँ पे ही ब्रैकेट को क्लोज कर दिया तो x इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर हमारे पास 13 से आगे भी होते हैं, लेकिन इस सेट में 13 से आगे तो दे ही नहीं रखे. तो हमें वो कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी कि हमें सिर्फ 13 तक ही प्राइम नंबर चाहिए. तो आप क्या लिखोगे, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 13. अब देखो, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 13. आपको हमेशा क्या करना है, जब आप ये सेट बना लेते हैं तो इससे वापस ये बना के देखना है. अगर बिल्कुल करेक्ट हमें मिल जाता है, दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है. ओके, तो ऐसे एक प्राइम नंबर लेना है. प्राइम नंबर से हमें पता है 2 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन इक्वल टू 13, 13 या 13 से कम. तो कौन कौन से आएंगे, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 बस मिल गए. अगर हम ये नहीं लिखते लेस देन इक्वल टू 13 तो हम 13 से आगे भी चले जाते ना, वो तो है ही नहीं इसमें. ओके, तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है. समझ में आ गया आप लोगों को. अब नेक्स्ट देखिए, सपोज मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 ये लिखा है. ओके, 2, 4, 6, 8, 10. अब हमारे पास जो ये हैं ये सारे 2 के मल्टीपल हैं. तो हम हमेशा ऐसा नहीं करते हैं कि हमेशा एक स्टेटमेंट इस तरह से लिख दें, क्योंकि हर जगह स्टेटमेंट लिखना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि कई बार बहुत लेंथी स्टेटमेंट्स हो जाते हैं. तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ये सब यूज करके मैथमेटिक्स में. तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए. इस तरह से एक आगे क्वेश्चंस करवाएंगे. अब हम जो 2 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1. 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2.
सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? टू इंटू थ्री, एट को टू इंटू फोर, टेन को टू इंटू फाइव। अब देखो ये सारे टू के मल्टीपल है ना, ध्यान से समझिएगा, सारे टू के मल्टीपल है, तो इन सभी के लिए तो लिखा जाएगा x, ये सारे तो x है। अब x किसके इक्वल है? टू के मल्टीपल, तो ये तो टू है, ये तो टू आ गया। ऐसे नहीं लिखना है, मतलब कि छोटी सी लाइन आएगी, आपको सिर्फ समझा रहे हैं कैसे करना है। टू का मल्टीपल है तो टू लिखा, वन टू थ्री फोर फाइव, ये चेंज हो रही है डिजिट, ये डिजिट सेम है, ये डिजिट सेम है, ये चेंज हो रही है, तो जो चेंज हो रही है उसके लिए हम लिखेंगे स्मॉल n, उसके लिए लिखेंगे स्मॉल n, एंड जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? वन से। कहाँ खत्म है? फाइव पे। तो क्या लिखेंगे? वन से शुरू है और फाइव पे खत्म है, ये बहुत ध्यान से समझिए। वन से शुरू है तो वन के इक्वल, n की वैल्यू वन के इक्वल है और वन से बड़ी, पाँच के इक्वल और पाँच से छोटी, एंड ये है क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट कैपिटल एन से, दोबारा समझिए, ये सारे एलिमेंट एक्स हैं, एक्स किसके इक्वल? टू के मल्टीपल, तो टू तो सेम है, इन सभी को हमने लिखा एन स्मॉल एन, स्मॉल एन की वैल्यू वन से शुरू होके फाइव तक है, तो वन लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू फाइव। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि एन क्या है, नेचुरल नंबर है या क्या है? तो एन एक नेचुरल नंबर है, ओके अगर एन सपोज करो रियल नंबर हो जाता तो रियल नंबर वन से लेकर फाइव के बीच में इन्फिनिटी होते हैं, वन, वन पॉइंट वन, वन पॉइंट वन वन, वन पॉइंट वन वन वन, बहुत सारे, वो सब नहीं चाहिए हमें, ओके तो हम इसको लिखेंगे कैसे? सी सेट है एक्स सच दैट, पहले लिखा एक्स इनके लिए सच दैट, अब एक्स किसके इक्वल है? टू एन के। अब एन वन से लेकर फाइव तक है एंड एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये बनी पूरी सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये मत सोचिएगा ये सब लिखने से अच्छा तो हम स्टेटमेंट ही लिख लें, नहीं, हर बार स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं हम, लेकिन इस तरह का मेथड हर क्वेश्चन में यूज हो सकता है, ओके तो ये मेथड सीखना आपको बहुत जरूरी है। इसके एग्जाम्पल करवाते हैं आपको, बहुत ईजिली आ जाएगा ये मेथड। फोर्थ एग्जाम्पल डी सेट, देखिए सपोज मैंने लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 36, 25, 30, 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 10 को 5 इंटू 2, 15 को 5 इंटू 3, 20 को 5 इंटू 4, 5 के मल्टीपल ही हैं, दिख रहे हैं हमें अच्छे से, 25 को 5 इंटू 5 एंड 30 को 5 इंटू 6, तो अब क्या करेंगे? ये सभी क्या हैं? x, किसके इक्वल? 5 का मल्टीपल, जो सेम होता है उसको एज इट इज लिख दो, जो चेंज होता है उसकी जगह n आता है, जो चेंज होता है उसकी जगह n आता है। अब n कहाँ से शुरू है? 1 से। कहाँ खत्म है? 6 पे। तो n की वैल्यू स्टार्ट है 1 से बड़ी, और n की वैल्यू छोटी है 6 से और 6 के इक्वल, और n बिलोंग कहाँ से कर रहा है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर ही आता है, क्यों भाई? 1 से शुरू है और 1 से शुरू कौन होता है? नेचुरल नंबर, इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। वो 0 से शुरू होता तो n बिलोंग्स टू होल नंबर, यहाँ 0 से शुरू होता, 0 पहले होता तो हम क्या करते? 5 इंटू 0, तो n की वैल्यू 0 से शुरू होती, तो उस केस में एन क्या हो जाता? होल नंबर हो जाता। तो यहाँ से देखना पड़ेगा, 1 से 6 तक है, 1 से 6 के बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 है, नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है, समझ गए? ऐसे करना है हमें। आप ये मत सोचिए कि ये तो इंटीजर्स भी होते हैं तो हम इनको इंटीजर्स क्यों नहीं लिख सकते, जब हम नेगेटिव नंबर्स के साथ डील करेंगे और साथ में पॉजिटिव वगैरह सब लिए जाएंगे तब हम इंटीजर्स के साथ डील करेंगे, ओके।
अदरवाइज ये नेचुरल ही लेके चलते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, x सच दैट x 5n, n की वैल्यू 1 से 6 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये बिलोंग्स का सिंबल है, मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से हमें करना है, समझ गए आप लोग। एक एग्जांपल और ले लीजिए, सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट सो ऑन। अब मैंने देखो लास्ट नंबर नहीं लिखा जैसे ऊपर लिखा था पूरे वाले एग्जाम्पल में, इसको कैसे लिखेंगे, सात चौदह इक्कीस अट्ठाईस सात के मल्टीपल हैं पता चल रहा है हमें, सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी एट सेवन इंटू फोर एंड सो ऑन, ऐसे कर देना सो दैट आपको ध्यान रहे कि हाँ ये तो आगे तक प्रोसीडर है। ओके अब इन सभी के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स सेम वैसे ही चलेंगे, किसके मल्टीपल, सेवन के, जो वैरी कर रहा है उसकी जगह एन आ जाएगा। अब एन जो है वन से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ पे है नहीं पता, इन्फिनिटी पे खत्म है ना, चला ही जा रहा है तो रुक ही नहीं रहा, तो हमें इसके लिए ये रेंज होती है ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वन से शुरू होके यहाँ खत्म है, नहीं ये नहीं लिखना हमें, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आई एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ये लिखने के बाद हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से, कहाँ खत्म होते हैं, इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली वन से शुरू हो गए, समझ गए बात को। ओके यहाँ हमें रेंज क्यों लिखनी पड़ी, क्योंकि हमें ये बताना था कि ये खत्म कहाँ पे है। ओके समझ रहे हैं बात को, हमें ये बताना था कि ये खत्म कहाँ पे है, इसलिए हमें रेंज लिखनी पड़ी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x such that x is 7n and n belongs to natural number। ओके एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 6 के मल्टीपल हैं सब, एंड 6 इंटू 6। अब देखिए आपको एक रेंज लिखने का दूसरा फॉर्मेट भी मैं बता देती हूँ, ये 6 n, अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हम करेंगे, हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से, 1 से, तो 1 से शुरू होके कहाँ पे खत्म है, 6 पे, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, जैसे पहले लिखा वैसे ही। इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ इतना, ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ये लिख दिया, ये लिखने का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर और कहाँ से शुरू होता है, 1 से, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से, और कहाँ तक जानी चाहिए, 6 तक और 6 के इक्वल। तो आप इसकी जगह पे सिर्फ ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ये लिखना, सिर्फ इतने से भी काम चल जाएगा, लेकिन साथ में नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है लिखना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात मैं क्या बता रही हूँ, ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, दोनों ठीक है, साथ में ये जरूर लिखना है, ठीक है ना, समझ गए बात को आप। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि n लेस देन 7, 7 से छोटा है, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तीनों के लिए लिखना जरूरी है। देखो n लेस देन 7 है मतलब 6 तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर आपने लिखा हुआ है, वो शुरू कहाँ से होगा, 1 से, तो 1 से 6 तक सारे नेचुरल नंबर आ गए। आपको इसमें से जो भी मेथड ठीक लगे लिखने का रेंज के लिए वो आप यूज कर सकते हैं, ये मेथड आपको समझ में आता है तो ऐसे लिख लीजिए, ये समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए, और ये समझ आए तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन सभी के लिए नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ये लिखना कंपलसरी है, बिना इसके हमें नहीं पता चलेगा कि एन की वैल्यू क्या लेनी है, समझ रहे हैं बात को आप, ऐसे करना है। तो सपोज हमारे पास है, हाँ ये एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक 14, 21,
28, 35, 98। अब देखिए 14, 21, 28, 35 स्टार्टिंग 14 से हो रही है। 14, 21 किसके मल्टीपल? 7 के। 14, 7, 2, 21, 7, 3 7, 4, 28 ऐसे करते करते 35। 98 जो हमारे पास है, हमारे पास ये बन गया 98 = 7 × 14। अब देखिए 14 से 98 तक है, ठीक है, तो मल्टीपल तो 7 के ही है और कंटिन्यू मल्टीपल है। देखो तो यहाँ से पता चलेगा 2, 3, 4, 5 से लेकर कंटिन्यू 14 तक है। तो हम कैसे करेंगे, x सच दैट 7 के मल्टीपल, ये n लिया हमने। अब n की वैल्यू कहाँ से शुरू है? 2 से, लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 से शुरू है और कहाँ तक है? 14 तक। एंड n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, x सच दैट x किसके इक्वल? 7n, और n की वैल्यू 2 से लेकर 14 तक, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो ऐसे करना है इसको हमें, समझ में आ गई आपको बात, इस तरह से करना होता है। अब कुछ और एग्जांपल्स करवाते हैं हम। मान लीजिए 2, इसके बाद 4, 8, 16, 32 ये है। अब देखो इसमें 2, 4, 8, 16, 32 है, क्या ये 2 के मल्टीपल कंटिन्यू है? 2, 4, 6, 8, 10 वो होते हैं कंटिन्यू, तो ये तो नहीं है। ध्यान से समझना, 2 है लिख दिया, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 16 को 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, एंड 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अभी देखो ये बना 2 की पावर 1, यहाँ 2 कितनी बार है? 2, यहाँ 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे हो गए, ठीक है। तो इन सभी को तो हम क्या ले लेंगे, x, इन सभी को लिया x, सच दैट x। अब इसमें सेम जो होता है वो तो हमें एज इट इज लिखना होता है, सेम क्या है? 2, चेंज किस में हो रहा है? पावर में। तो n कहाँ लिखना पड़ेगा? पावर में। n जो है कहाँ से शुरू है? 1 से। कहाँ खत्म है? 5 पे। और क्या है ये? नेचुरल। बस और क्या करना है, यही तो करना है, 1 से शुरू है, 5 पे खत्म है और नेचुरल नंबर है। ओके, समझ में आ गया, तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं पावर वाला, ये बहुत सिंपल है। सपोज ये है, यहाँ पे अपॉन में है जो नंबर्स हैं। अब देखो इन सभी को मैं x ले लेती हूँ, ले लिया। अब x किसके इक्वल है? यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो यहाँ 3, यहाँ 3 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 5। मतलब क्या है कि हमने, हमारे पास ऊपर जो नंबर है उससे एक ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाले को अगर हमने n ले लिया तो नीचे वाले उससे एक ज़्यादा, n प्लस 1 आ जाएगा, यही तो बात है, n ले लिया तो n प्लस 1 आ जाएगा। अब n कहाँ से शुरू है? 1 से, और ख़त्म कहाँ पे है? 5 पे, 6 पे नहीं, 5 पे, n 5 पे ख़त्म है क्योंकि 5 + 1 = 6 बनेगा। तो n की वैल्यू 1 से शुरू होके कहाँ तक है? ऊपर 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 5 तक, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हो गया बस। ओके, ऐसे करना है हमें, तो ये बहुत सिंपल है, सेट बिल्डर फॉर्म भी। तो आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से करवाई गई है। नेक्स्ट ये जो मल्टीपल वाले एग्जांपल थे ये करवाया गया है, ये वाले एग्जांपल्स ये सब हैं।
ये वाले एग्जांपल्स ये सब हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, 1/3, 2/4, 3/5, 4/6, सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो अभी ये x है, x किसके इक्वल, ये 1 है तो 2 ज़्यादा, 2 है तो 2 ज़्यादा, 3 है तो 2 ज़्यादा, मतलब ऊपर अगर n लोगे तो नीचे उससे 2 ज़्यादा। अब n की वैल्यू 1 से तो शुरू है ख़त्म नहीं पता, लेकिन ये तो पता है नेचुरल नंबर है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब इन्फिनिटी तक जाता है तो डायरेक्ट लिखना एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रेंज नहीं लिखनी कि 1 से शुरू है और वहां तक खत्म है, क्योंकि खत्म कहाँ है पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये करना है, समझ गए आप बात को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप रिवाइज करके ये सारा होमवर्क कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।